जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हरीश कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे को कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपके पास रहने की व्यवस्था कैसी है, तो दो मैं यहाँ पे जो शुरू के अंदर मेरा स्पोर्ट्स डिफेंस एकेडमी चला रहा हूँ, इसका मैं थोड़ा सा आपको वीडियो डाल देता हूँ, जिसमें जो बच्चा कोई भी आना चाहे उसको ये रहने लगे कि कहाँ जहाँ जाए वहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं। एकेडमी के अंदर 100 बच्चे रखने के लिए जगह है, लेकिन आजकल कोरोना के टाइम है, इसमें 50 बच्चे से मैं ज़्यादा रख नहीं सकता। इसके लिए व्यवस्था मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं, ये 7 या 8 टॉयलेट एक जगह हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा कैंपस है, ये आपको यहाँ पे रहने के लिए सुविधा मिलेगी। किसी प्रकार की कोई भी ऐसे जैसे प्रदूषित वातावरण ऐसी बात नहीं, खुला टाइप है, बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। तो ये इस कैंपस के अंदर में जो भी है नॉर्मल बच्चों की जो नॉर्मल एक्सरसाइज की जाती है, उनका मैंने बच्चों के हाथों पे जो ट्रेनिंग के लिए मैं बच्चों को कर रखा है, जैसे बेंच प्रेस बच्चा कोई करता है, डंबल करता है, तो उसको जिम में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो आर्मी में भर्ती होती है उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल वेट चाहिए वो वेट ट्रेनिंग की मैंने यहाँ पे इस कैंपस के अंदर व्यवस्था कर रखी है, और खुला वातावरण है। कई बार पूछते रहते हैं बच्चे कि सर आप कैंपस का फोटो दीजिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से इसको देखें और इसके बाद में आपको जब उचित लगे तभी आइए। यहाँ आने धोने के लिए बच्चों के लिए मैंने अलग से व्यवस्था की है, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से कपड़े साफ रहें, है कि नहीं, पानी की अच्छी तरह से व्यवस्था हो, जहाँ पे बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि कम से कम 10 टूटियां टैप हैं, कम से कम 10 से 12 टैप हैं जिसमें बच्चे अपने कपड़े साफ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे ठहरते हैं तो एक एक रूम, बड़ा बड़े रूम हैं जिसमें 4 या 5 बच्चे को ठहराया जाता है। ये बच्चे सारे व्यवस्थित रूप से यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऊपर सामान रखने का लगा रखा है, बच्चों को कपड़े लगाने के लिए सब कुछ व्यवस्था के रूप में, किसी प्रकार की इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं, मैं इसके बारे में आपको इस कैंपस के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ मैंने एकेडमी बना रखी है। नाश्ते में बच्चों को जैसे नॉर्मली सुबह सुबह बच्चों का जब दौड़ के आते हैं तो बच्चों का एनर्जी लग जाती है, उसमें 2 केले, 1 गिलास दूध, दलिया, उपमा, चने और इस प्रकार से बदल के नाश्ता दिया जाता है, जिसमें बच्चे की रिकवरी हो जाए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें डाइट में हैं। लंच में जैसे बच्चों को है अच्छी तरह से चपाती, चावल, दाल और अच्छी प्रकार से जो वैरायटी होती है सब्जी की, सलाद और छाछ, ये सारी लंच में दी जाती है, जिसमें बच्चा सेटिस्फेक्शन के साथ में खाना खाए। इसी प्रकार से बदल करके शाम को डिनर में भी हमेशा अच्छी तरह से डिनर की भी डाइट अच्छी तरह से दी जाती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मैस में नहीं है। डाइट के रूप में कोई बच्चा पूछे तो डाइट में मेरे अनुसार न्यूट्रिशन में के कोच एज ए कोच में हूँ, तो अच्छी तरह सारे न्यूट्रिशन का मिश्रण करके ही बच्चों को डाइट दी जाती है। तो बच्चे को यदि व्यवस्था नहीं है तो बच्चा ठीक से रह नहीं सकता, अच्छी तरह से सो नहीं सकता। वातावरण बच्चे को ऐसा मिलना चाहिए कि वो आराम से सोए, है कि नहीं, और अच्छी तरह से मेहनत करे, अच्छी तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करे, वातावरण शुद्ध वातावरण हो, एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पेड़ पौधे हो, है कि नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये बाथरूम है जो सर्दियों में जैसे नॉर्मली वो बच्चे बाहर नहीं है नहाना है, अंदर अच्छी तरह से ये बाथरूम मैंने अंदर बना रखे हैं, इंडोर में बना रखे हैं, किसी प्रकार को कोई भी बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसकी मेरे इसके अंदर अकेडमी के अंदर पूरी व्यवस्था है। तो मैं आपको आज ये दिखाना चाहता था कि बच्चे पूछते रहते हैं सर आपका जैसे रहने की व्यवस्था वहाँ कैसी है, तो मैं इसके बारे में आपको आज बता रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बोलते हैं हम बिल्कुल सही चीज़ बताते हैं। बच्चे पूछते रहते हैं फीस में, फीस तो भैया 6,000 रुपये पर मंथ है, और वो भी हम कोई साथ में कलेक्ट नहीं करते, महीने मंथली कोई बच्चा यदि आता है उस टाइम मंथली दे दो, उसके बाद में जैसे वो रहता है उसके अनुसार महीने की फीस 6,000 रुपये है। ये सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। तो इस प्रकार से बच्चे पूछ रहे हैं, सारा ब्यौरा मैं आपको आप मेरे अकेडमी के बारे में दे रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई बच्चा कन्फ्यूज़न न रखे और ये सारी की सारी बातें ध्यान रखे। जय हिंद, जय भारत।